चेयरमैन तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली से मुशावरत का मामला। इमरान खान आज फैसलाबाद ज़िला के अरकान असम्बली से मुलाकात करेंगे। इमरान खान फैसलाबाद के अरकान असम्बली से असम्बलियों की तहलील के मामले पर मुशावरत करेंगे। इस हवाले से मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, जगह मुलाकातों का मुशावरत का सिलसिला भी जारी है और आज जो फैसलाबाद के ज़िले अरकान असम्बली हैं उनसे मुलाकात की जाएगी, उनसे बातचीत की जाएगी। आज बिल्कुल तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की मशावरत का सिलसिला भी जारी है और आज दो आला सतह के इजलास तलब किए गए हैं। एक 4 बजे जमान पार्क में आला सतही इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास होगा जिसमें पीटीआई की सीनियर लीडरशिप शरीक होगी, जिसमें शामिल कुरैशी, असद उमर, फवाद चौधरी, कासम सूरी, अली हैदर जैदी, मियाँ असलम इकबाल, मियाँ महमूद रशीद, डॉक्टर यासमी राशद, इसी तरह हमाद अजहर के साथ साथ जो है वो दीगर जो है पार्टी के सीनियर रहनुमा भी शरीक होंगे। और पंजाब असम्बली की तहलील और केपी असम्बली की तहलील के हवाले से भी मुशावरत होगी और साथ साथ ही इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ मुहिम को जो है वो मुल्क की सतह तक फैलाने के लिए भी मुशावरत की जाएगी, क्योंकि अभी जो है वो आज से लेकर 17 दिसंबर तक लाहौर में 11 रैलियां निकाली जाएंगी। अब कोशिश ये की जा रही है, आज पीटीआई की मरकजी लीडरशिप देखेगी कि इसे किस तरह पूरे मुल्क में वफाकी हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए इन रैलियों को फैलाया जा सकता है। दूसरा, आज फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट के अरकान असम्बली जो अरकान कौमी असम्बली और पार्टी अहदेदारों को इजलास जो है वो अलग से होगा। ये उस इजलास का हिस्सा है जिसका मकसद अरकान असम्बली से बराह रास्त मुशावरत करना है और इमरान खान बराह रास्त इस हवाले से मुशावरत करेंगे। इसके साथ साथ पार्टी की लीडरशिप इस बात का भी जायज़ा लेगी कि आम इंतखाबात की तैयारियों की तरफ किस तरह जाना है और सियासी सूरत हाल में क्या लाहे अमल इख्तियार करना है। ठीक है, लेकिन आपने हमें आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया।